चित्रकूट नगर निकाय की सबसे बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। करबी मानिकपुर की डिबेट के बाद हमारा कारवा आ गया है मऊ नगर पंचायत में। एक ऐसा नगर पंचायत जिसे पहली बार ये ओहदा मिला है कि वो नगर पंचायत में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर मतदान करेगा जो एक ऐसा चेयरमैन चुनेगा, विकास परक चेयरमैन चुनेगा। और यहाँ पे जितना उत्साह लोगों में वोट डालने को लेकर है उससे कहीं ज्यादा उत्साह उन प्रत्याशियों में है जो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। एक ग्राम पंचायत जिसने एक लंबा इतिहास देखा है मऊ का, चित्रकूट की राजनीति में कलेवर मऊ का हमेशा से फेमस रहा है। राजनीति कोई भी करे लेकिन मऊ का जो मऊ की राजनीति है उससे चित्रकूट जिला कभी नकार नहीं सकता है। और अब जब नगर पंचायत हो गई है तो बात इसलिए करना जरूरी है कि हाईवे के इस इलाके में इलाहाबाद को जोड़ने वाला चित्रकूट से ये इलाका किस तरीके का यहाँ की राजनीति का करवट होगा, कैसे यहाँ के लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता के मुद्दे हम तक पहुंच गए हैं, हम पूछेंगे प्रत्याशियों से, लेकिन प्रत्याशी किन सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है। और मेरे साथ एक पैनल जुड़ा है, अभी हमने सभी लोगों को आमंत्रित किया था जिसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जुड़े हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जुड़े हैं और इंतजार है और भी प्रत्याशियों के आने का। अगर आते हैं डिबेट के समय तो उन्हें जोड़ा जाएगा और यहाँ पे मऊ की जनता भी होगी, जो कुछ पूछना चाहेगी तो पूछ सकती है। सबसे पहले मैं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनसे प्रश्न ये होगा क्योंकि एक बार वो मऊ के प्रधान भी रह चुके हैं, तो मऊ के प्रधान से अब सफर जा रहा है चेयरमैन तक का, तो मुद्दे तो वही होंगे जो विकास के मुद्दे होंगे, साफ सफाई के होंगे। तो जब हमने पिछली बार डिबेट की थी तो कुछ कमेंट्स आए थे कि साफ सफाई की व्यवस्था में चूक गए प्रधान जी, उस कमेंट को आपने उत्तर दिया था कि हम पूरा करेंगे, तो जब ये चेयरमैनी का चुनाव आया था क्या दिमाग में है इन मुद्दों से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि बहुत बड़ा ये नगर था लेकिन ये इसमें प्रधानी का ही चुनाव हुआ करता था, तो उससे आप नगर पंचायत में और प्रधानी में जमीन आसमान का अंतर है, आप जान ही रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत में 25-30 सफाई कर्मी मिलते हैं और प्रधान को 2 मिला करते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो प्राइवेट उसमें थे हमने लगा लगा के गांव के अंदर और मार्केट, क्योंकि बड़ी कम से कम यहाँ पे 500 तो दुकानें होंगी, मार्केट बहुत बड़ा है, तो मार्केट का जो कूड़ा था तो प्रतिदिन 2-3 ट्राली जो है कूड़ा निकलता था, जो गांव क्षेत्र था तो गांव क्षेत्र में लोग अपने सफाई कर लिया करते थे, लेकिन बाजार में क्या होता था कि बस रोड में कूड़ा उठा के, क्योंकि उनके पास जगह नहीं उपलब्ध थी, ना कोई साधन था, ना ट्रैक्टर था, ना तो कोई टेम्पू गाड़ी थी, तो प्राइवेट सेक्टर से ट्रैक्टर लगवा के मैं सफाई का जितना मुझसे हो सका मैंने किया। संतुष्ट अपने काम से? संतुष्ट मैं एक काम से हूँ कि मऊ नगर पंचायत आप आए भी होंगे शायद और मऊ के लोग भी जानते होंगे, अब उसमें कोई झूठ बोले या सही बोले, मऊ की सबसे बड़ी जो मतलब समस्या थी मऊ मार्केट रोड, सबसे बड़ी समस्या 1.5 किलोमीटर रोड प्रधानी कार्यकाल में बनाया जाना, बहुत दांतों तले चना दबाने के बाद मतलब लोहे का चना, बड़ा काम था जो आपने किया, जो बड़ा काम था उसको मैंने 2 साल का जो किस्त लगा मैंने अन्य गांवों का किस्त रोक के सबसे पहले मैंने रोड का निर्माण करवाया, जिससे आज की डेट में आप जाइए हाईवे इतना जो है चौड़ी रोड आपको मिलेगी, उससे सारे व्यापारी संतुष्ट हैं और 57 गांव के लोग आते हैं सब संतुष्ट है, नहीं तो यहाँ पे एक पतली खोर हुआ। व्यापारी की आपने बात की तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनके पास जाता हूँ, उन्होंने कहा कि हमने व्यापारी इतने सारे काम कर दिए, रोड बना दिया और हमने जो स्वच्छता थी उस पर भी हमने काम किया जितना कर सकते थे। पहली बात तो क्या आप इनके बयान से सहमत हैं क्योंकि प्रधान रह चुके हैं, चेयरमैन ही लड़ रहे हैं? जी प्रधान जी का अपना बयान है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैं अपने विकास के मुद्दे पे आया हूँ ना कि किसी के। तो फिर आप क्यों आए हैं जब वो कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापारियों के लिए सब कर दिया है, व्यापारी सुरक्षित महसूस करे घर में रहे, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं अभी समझ रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिनको करना भी बाकी है, क्योंकि केवल रोड से ही बाजार रोड से ही पूरा काम नहीं हो सकता। आप जो आप गाँव में जाइए, गाँव की स्थितियाँ देखिए, अन्य गाँव में जाइए जहाँ पे ढर्रे नहीं बने अभी, जहाँ पे सड़कें नहीं बनी, जहाँ पे नालियां नहीं, सड़क नाली से क्या निकल जाएं हम लोग? 50 साल हो गया देखिए अब उसी पे घुसे रहे, बार बार उसी को साफ करें, उसी को अल्टाए पलटाएंगे, मुद्दे की बात हो जाए तो क्या है समाजवादी पार्टी का मुद्दा? आपको अगर टिकट मिला है तो आप अगर जीत गए, मैं इस डिबेट में कह रहा हूँ अगर आप जीत गए तो करेंगे क्या? 5 काम कुछ ऐसे हैं जो दिमाग में है आपके? जी मेरे पास 5 काम ऐसे दिमाग में है। पहला तो मैं गाँव में जो भी लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के पास कॉलोनियां नहीं है या जो भी गरीब तबके के लोग ज्यादातर इनके पास घर नहीं है, प्रयास करूंगा उनको लोगों को अधिक से अधिक सरकारी सुविधाएं मिले। दूसरा प्रयास ये करूंगा कि जो लोग आधार कार्ड पैन कार्ड के लिए भागते रहते हैं उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाऊं कि जिसके लिए जो है
वो उन लोगों को भागना न पड़े और ऑनलाइन के लिए ज्यादा चक्कर न लगाना पड़े। तीसरा ये है कि जो सरकार में लेखपाल वगैरह जो भी अधिकारी हैं वो लोग लोगों को बहुत ज्यादा टरकाते हैं, परेशान करते हैं, तो मैं यही प्रयास करूंगा कि उन लोगों को उस परेशानी से निजात मिले। चौथा ये है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुन करके तत्काल या प्रयास कर करके जल्दी से जल्दी उसको निपटाने का प्रयास करें। और मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारियों की और भी अन्य समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो व्यापारी की सुरक्षा को लेकर है, पूरे जिले से लेके मऊ तक में व्यापारी कहाँ सुरक्षित है? जी, व्यापारी की सुरक्षा तो ये है कि मान लीजिए जैसे हमने गलती किया, बार बार लोग कहते हैं सीसीटीवी लगाई, ये लगाई, वो लगाई, मगर इसको तो कुछ कर नहीं जा सकते ना भाई। पुलिस भी है, लगी हुई है अपने काम में, कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं लगी हुई है, मगर अब जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है चुनाव तैयारियों में लग गई, कहीं लग गई, कोई घटना घट गई, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आपको देख के मुझे एक शेर याद आ जाता है कि हमें तो अपने लूटा घरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, भारतीय जनता पार्टी सब टिकट मांग रहे थे जी। और आप चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं जी। क्यों लड़ना पड़ रहा है पार्टी हित में? जैसे करबी में लोगों ने अपने मंच में लोग चढ़ गए और इन्होंने कहा कि अब हम नहीं, टिकट नहीं मिला, हम नहीं लड़ेंगे, आप ही ना लड़ते पार्टी हित में? मैंने पिछले 12 सालों से पार्टी की पूरी सेवा की, पूरी निष्ठा के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही रहा। मेरे गांव की, मेरे नगर की जनता मुझे उस रूप में देखती है, जानती है। मैंने पार्टी की सारी, जो भी पार्टी के संगठन के जो भी निर्देश थे उनको पूरी निष्ठा के साथ मैंने कवर किया, उनको पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में उतारा और लोगों के बीच में गया। और जब चुनाव का समय आया, जब कार्यकर्ताओं को जब उनके लिए एक कार्यकर्ता के अंदर एक भावना होती है कि आखिर हमें पार्टी, हम सेवा कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा, तो किसी एक को ही तो देगी पार्टी, एक कार्यकर्ता जी ही तो जी, मैं वही बात करना चाहता हूं। मैंने, मेरे साथ साथ यहां अन्य जो कार्यकर्ता हैं, यहां मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी मांग रहे थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, जो पिछले 20 सालों से यहां पर पार्टी को सेवा दे रहे हैं। यहां से मैं टिकट मांग रहा था, जो मंडल उपाध्यक्ष हैं, मैं मंडल उपाध्यक्ष हूं, बालाजी ओम प्रकाश मिश्र बालाजी मंडल अध्यक्ष हैं, ममता तिवारी पूर्व जिला महामंत्री रही महिला मोर्चा की, वो टिकट मांग रही थी, राघवेंद्र सिंह जी का भी नाम चल रहा था कि वो भी चाहते हैं। सब तो शांत है ना, ये तो कह रहे हैं पार्टी है, इस पार्टी तो कर लेंगे। संदीप जी को क्यों इतनी बड़ी समस्या हुई, कोई मुद्दे हैं क्या आगे, कुछ है क्या? बिल्कुल है, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर पुष्पा मिश्रा थी जिनको टिकट मिलना चाहिए था। आज पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उन्होंने कितनी सेवा की पार्टी की, तो दिया उन्होंने, सड़क बना दिया है, नाली में थोड़ा बहुत जो सहयोग था कर रहे थे, सड़क चेयरमैन बने के कर रहे हैं, आप किन मुद्दों पे घेरना चाह रहे हैं? सड़क और नाली तो उनका कर्तव्य था, दायित्व तो था, चूंकि वो प्रधान थे यहाँ से तो वो तो बनाएंगे ही। मैं आपने पार्टी विषय पर बात की, जब पार्टी विषय पर बात की तो पार्टी का पहला हक उसके कार्यकर्ता का बनता है, कार्यकर्ता नहीं है वो। मैं आ रहा हूं, उसके बाद ये जानकारी तो आपको खुद ही होनी चाहिए कि कौन कितना किसने मेहनत की। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे ये कह रहे हैं कि पार्टी हित में टिकट मिलना चाहिए था, ढेरों नाम उन्होंने गिना दिए, अमित द्विवेदी का नाम उसमें नहीं आया, तो क्या पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे? आपने पहले कार्यकर्ता, मेरी माँ 2003 में जिला पंचायत सदस्य हुई थी और आपको याद होगा उजेरिया देवी प्रथम वो जिला अध्यक्ष बनी थी भाजपा से। मेरी माँ निर्दल प्रत्याशी थी, उन्होंने उस समय यहाँ भाजपा की कोई लहर नहीं थी ना सरकार थी, उसके बावजूद मेरी माताजी ने बीजेपी को वोट किया, तो इससे बड़ा समर्थन क्या चाहिए? हम लोग 20 नहीं, हमारी माँ, हमारे पिताजी, तब से हम अनवरत बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फिर पार्टी मना क्यों नहीं पाई? मुद्दों के साथ आए चुनाव लड़ने, कई ऐसे प्रत्याशी हैं, उनका मुद्दा है, कहीं ना कहीं उनको कष्ट खेत तो होगा ही, क्योंकि कार्यकर्ता हैं भाई, काम किए हैं। कुछ बोल, मैं आपके पास आता हूँ, फिर दो मिनट में आया मैं। आप भी निर्दलीय हैं और आप भी उसी दर्द के मारे हैं जैसा दर्द अभी मैं बयां कर रहा था। दर्द कभी ऐसा नहीं लगता कि दर्द वाकई में ऐसा हर बार होता है, लोग टूट जाते हैं, क्योंकि जैसे इनका कहना है कि लंबा संघर्ष है इनके घर का, तो इनको टिकट मिल गया। इनका दर्द बिल्कुल से नाजायज है, क्योंकि ये अवसरवादी हैं, जब जिससे टिकट पाए तो पाए, नहीं पाए तो इधर उधर गए। अभी इन्हीं के बड़े भाई विनीत द्विवेदी सपा से टिकट पाए, लड़े, फिर भाजपा में आए। फिलहाल इस मुद्दे फिलहाल ये जायज बात आपकी तो मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है। ऐसे करबी में भी एक प्रत्याशी थे, चेयरमैन जब बन गए तो भाजपा में चले गए, वो गंगा है, हो सकता है। इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने कहा तो चुनाव जो है पार्टी बेस पे नहीं होगा, कर्म बेस पे होगा। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा लूटा है, जैसे खाया है, जनता जानती है किसका क्या कर्म था, उसके आधार पे नगर पंचायत का चुनाव होगा। मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं फिर, अगर पार्टी में, फिर वही प्रश्न मेरा है, पार्टी इतनी बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपको मनाने में क्यों चूक हो गई? जी मैं ये भी कहा जाता है कि आप विधायक जी से भी नाराज थे। नो, मैं विधायक जी का अभी भी भक्त हूँ, विधायक से तारीफ नाराज, और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ।
मैं किसी पार्टी से टिकट भी नहीं मांगा, आवेदन किया। मैं पार्टी पे डिपेंड नहीं हूँ, खुद पे डिपेंड हूँ। क्या है दो चार मुद्दे बता दीजिए, अगर डिपेंड है तो कुछ बात होगी। आइए आइए, मुद्दा तो प्रथम मुद्दा जान लिया, मैं उस जड़ से जुड़ा व्यक्ति हूँ कि यहाँ पे शिक्षा की जगत अगर किसी ने अलग जगाई है तो पंडित पालीवाल जी हैं, जिनकी देन वो मेरे दादा हैं, वो जड़ इनकी देख लीजिए कि इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज जैसे स्थापना शिक्षा के जगत में, मैं इनका वंशज हूँ। शिक्षा जरूर, स्वास्थ्य, सड़क नाली नर्दा, इसके बाद सबसे बड़ी बात मेरी, मैं जनता को लूटूंगा नहीं, जनता के आए हुए धन को खाऊंगा नहीं और न जनता से झूठ बोलूंगा, मेरा यही मुद्दा रहेगा। मैं जनता किस तरफ है जी, लूटने उठने का किस तरफ इशारा कर रहा है? किसी की तरफ नहीं है, मैं अपनी विशेषता बता रहा हूँ, अपनी ईमानदारी बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे कह रहे हैं कि अलग जगह अवसरवादी है, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है। नहीं, बोला किसको बोला, नाम लेके बोला, स्पष्ट बोल दिया अवसरवादी है। अब ये कह रहे हैं कि उसकी नींव डाली गई, पालीपाल जी ने डाला नींव। हमारी आज करोड़ों की जमीन है, एक करोड़ की जमीन, एक करोड़ क्या डेढ़ करोड़ की जमीन होगी, इनके यहाँ से एक भी अनुदान नहीं किया गया। हमारे बाबा ने, हमारे पिताजी ने गांव के लिए डेढ़ करोड़ दो करोड़ की जमीन अनुदान किया, उसी स्कूल के लिए इन्होंने क्या अनुदान किया? अच्छा, अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दूं, आप लोग पहुंच गए पास्ट में पहुंच गए, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? एज ए प्रधान आपने क्या कोशिश की, जो आप चेयरमैन के रूप में दिखे? प्रधान शिक्षा के जगत में क्या कर सकता है आप बताइए? विद्यालयों की स्थिति सुधार सकता है, विद्यालयों की स्थिति, जो वहां पे आप जाइए, जो सरकार तरफ से जो योजना आई थी कि हर स्कूल में टाइल्स लगना चाहिए, हर स्कूल में शौचालय बनना चाहिए, आप जाइए वहां पे, कहने पे ना जाइए, आप वहां पे जाइए। अवसरवादी उत्तर नहीं दिया आपने। हम कह रहे हैं ना, नहीं हम कह रहे हैं, जैसे स्कूल जगत में वहां पे बड़ी बड़ी दीवारें फटा हुआ करती थी, फर्श में पूरा होल हुआ करता था, आज आपकी डेट में जाइए एक भी स्कूल, ये तो ऑपरेशन कायाकल्प हो गया ना, ये तो मोदी जी वाला हो गया। कायाकल्प हुआ कि नहीं हुआ? जगत स्कूल जगत मैंने किया, ठीक है, पूरा एक एक काम। मैं फिर आता हूँ आपके पास, मैं कुछ निर्दलियों से जो लड़ रहे हैं चुनाव उनसे बात हो रही थी मेरी, आपके पास फिर आऊंगा मैं। आप मऊ नगर पे लगातार सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़े, आप यहाँ के मुद्दे क्या है जो छूट रहे हैं प्रत्याशियों से, क्योंकि प्रत्याशी व्यक्तिगत हो जा रहे हैं बीच बीच में, कुछ कह रहे हैं कि हम कर रहे चुनाव, कुछ कह रहे हैं कि हम अगर जीते तो करेंगे, मुद्दे छूट रहे हैं क्या कुछ है अतुल द्विवेदी की नजर में? नहीं, मुद्दे क्या, ये पहली बार नवसृजित नगर पंचायत हुई है, तो मेरा तो यही मानना है कि नवसृजित नगर पंचायत होने के बाद ग्राम सभा में इतना बजट नहीं आता था कि जिस वजह से विकास हो सके, नई नवसृजित होने की वजह से बड़ा बजट आएगा, उससे विकास ज्यादा होगा। दूसरी चीज रोजगार के लिए, मतलब यहाँ हो जाने के बाद से काफी वैकेंसियां, जैसे ऑपरेटर, चपरासी, ड्राइवर, सब नगर तो, पंचायत के इसी में हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, रोजगार के, मतलब रोजगार के अलावा, जैसे आप हमारे यहाँ पे चले जाइए बाजार रोड पे, तो रामलीला मैदान है, वहाँ पर देखेंगे आप कूड़े का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ, शौचालय भी बना है, खस्ता हालत, तो शौचालय देख लीजिए ना, देखा ही तो तभी तो बता रहा हूँ, खस्ता हालत है, खस्ता हालत है। आप पहुँचे रामलीला तक, इसलिए मैंने कहा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो वही तो मैंने कहा। आपकी नजर में भी कुछ है क्या कि आप भाजपा से लग देख नहीं पाएंगे? नहीं, भाजपा और इससे कोई मतलब नहीं है, बात है कुछ ऐसी लग रही थी कि भाजपा से इतर नहीं जा पा रहे। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, हम लोग भाजपा से नाम इन्होंने ले लिया, विकास का नाम लिया आपने, विकास बहुत बड़ा है, चाहे वो डेवलपमेंट हो या विकास। विकास पर मैं अभी आता हूँ, बहुत बड़ा विषय है, चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है मऊ नगर की अगर बात करें तो? मुद्दा पहले मैं माता नंदी धाम के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मऊ नगर की जनता को प्रणाम करता हूँ। मऊ के सिर्फ विकास के पांच मुद्दे हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, पांच मुद्दे पे पिछले पांच सालों पे कोई भी काम नहीं हुआ। 326 कार्य योजना मऊ नगर पंचायत में ली गई और 326 में से 250 काम पे लगातार भ्रष्टाचार हुआ। मऊ नगर पंचायत भ्रष्टाचार के चोला पर चल चुका। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, 30 साल से मेरे माता पिता, माता जी मेरी जिला पंचायत रही, उंजरिया देवी को जिन्होंने बात किया, उंजरिया देवी को नवल किशोर मिश्रा ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, और आप भी टिकट मांग रहे थे क्या? हम लोग भी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग लगातार 25 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनका मूल नहीं लिया जा रहा, जो सपा और बसपा से आ रहे हैं उनका मूल कार्यकर्ताओं का लगातार अवहेलन किया जा रहा है, उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जो कार्यकर्ता वर्क कर रहे हैं उनको टिकट न दे करके दूसरे दल लोगों को टिकट दिया जा रहा है। पांच साल के काम की जो बात इन्होंने की, तो देखिए आपके तक ही बातें घूम के आई रहे क्योंकि आप रहे हैं प्रधान और जनता में भी शायद यही मैसेज होगा कि इनको नापा तोला जाए। क्या वाकई में आप चूक गए, भ्रष्टाचार हुआ जिसकी बात करें? उन्होंने कार्य योजना भी गिना दी, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये योगी जी की सरकार है, पारदर्शिता के साथ कार्य हुए हैं और पूरा आप रामलीला वाला शौचालय भी आप एक मिनट रुक जाओ, पारदर्शिता के साथ कार्य हुए हैं, ठीक है,
और सारे काम ऑनलाइन हुए हैं। अब लोग जानते नहीं, जैसे उसमें वो होता है आपका नाम चढ़ गया, कितने कार्य हमको साल में करवाने हैं, उसमें वो बनता है, एक कार्य योजना बनती है, ऑनलाइन भी हो सकता है ना, ऑनलाइन भी तो एक मिनट दिए, मतलब 250 नाम चढ़े तो 250 नामों से उसमें से 5 काम 10 काम छांट के लिए जाते हैं, जितना पैसा आता है, ठीक है। वो कार्य मेरे दिख रहे हैं, जितने भी कार्य गांव क्षेत्र में हुए वो काम दिख रहे हैं, और सब सरकार की नजर में थे। ब्लॉक में अधिकारी रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, सारे रहते हैं, और जहां रही टिकट बात जो है, बार बार वही मुद्दा आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कई बागी लोग आपसे खुशी नहीं है, बागी लोग कुंठित है, नहीं अवसरवादी कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं आप, कार्यकर्ता मूल नहीं है, कुंठित लोग हैं, जैसे कुंठित लोग हैं। अब जैसे दो बच्चे पिता के होते हैं, एक को आप जो है खाना दे दो, एक को ना दो, तो क्या कहेगा पिता की, मेरा पिता बहुत हरामी है, मुझको नहीं दिया, नहीं किया, मुझको हिस्सा नहीं दिया। तो ऐसे लोग पार्टी में, हम लोग मतलब एक पार्टी के हैं, हम कई भाई होते हैं, सबको नहीं संतुष्ट। अच्छा, मैं आपके भाई पता चला जाता हूँ, क्योंकि लगातार आप सोशल मीडिया में डालते हैं कि जिस तरह से आपको चुना गया, जिला पंचायत सदस्य चुना गया, वैसे भाई को एक बार मौका दे दिया जाए चेयरमैनी पे, लेकिन विरोधियों का आरोप यह है कि एक तो टिकट में पारदर्शिता नहीं बरती गई, दूसरा डेवलपमेंट में भी भ्रष्टाचार किया गया, जिसका अब क्यों चुनाव जनता करे। विरोधियों का मुद्दा है विरोध करना, जनता का मुद्दा है समाज में रहकर नेता को पारदर्शिता से काम करने का मौका। जनता के बीच में आप जाइए, हम लोगों ने जो सेवा किया है उसका परिणाम, दिन में, रात में, दोपहर में, हमने रात में 12 बजे भी थाने से अदालत, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, जिसका पावर हाउस, जिसके जहां के मुद्दे रहे, हमने अपनी पारदर्शिता से रात दिन मेहनत करके, कभी किसी के 1 रुपये दलाली नहीं खाई। जो लोग यहां अपना इतिहास बता रहे हैं, उनका इतिहास सबके सामने है, पब्लिक के, और इस पब्लिक के बीच में हमारा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना इतिहास स्वयं देखें। जितनी बार वो चुनाव लड़े, 30 साल से लगातार हार का परिणाम देख रहे हैं, हम जितनी बार चुनाव लड़े, जनता हमारी सर्वोपरि है, जनता के लिए हम जी रहे हैं और जनता के लिए मरेंगे, हम झूठी पारदर्शिता समाज में नहीं दिखाते। अच्छा, अगर ईमानदारी पे तार ठोक रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या थी, किन मुद्दों के साथ आ पाई, ईमानदारी तो है ही, आप लोग भी सपोर्ट कर देते। अगर ईमानदारी होती इस नगर पंचायत में तो मेरे जैसे लोगों को यहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पिछले 10 वर्षों से यहाँ जो कुछ हुआ वो सब पहले इनको बोलने थी, बात खत्म कर दी। जो लोग बात को सुनना नहीं पसंद करते, जो लोग गुंडाई करना पसंद करते हैं, यहाँ मतदाता चुनाव हो रहा है और यहाँ मतदाताओं को गरियाया जा रहा है, यहाँ मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, उसकी तो रिपोर्ट आप कर सकते हैं ना प्रशासन को। इतना भयभीत है व्यक्ति, मैं आ रहा हूँ, नाम लेकर नहीं बोला ना, मैं आ रहा हूँ। आप मुद्दे पे आइए। विषय जो है ये ईमानदारी पे बात कर रहे हैं, वो अपने पुराने कार्यकाल पे बात कर रहे हैं, उस पर कैसे आप। मैंने उनकी तरफ, मैं तुरंत आया, मैंने उनकी तरफ, मैं आ रहा हूँ, विषय की बात है, मैं आ रहा हूँ, ये जो बात ईमानदारी पे हो रही है उस पर बताइए। मैंने उनकी तरफ बिल्कुल बात नहीं की, कार्यकर्ताओं का जो विषय हो आप बोलिएगा, आप विषय पे आइए, ईमानदारी वाला विषय ये उठा रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि ईमानदारी पे काम हुआ है, आप क्या कहना चाहिए। नारों से जीत नहीं होगी भाई साहब, एक सेकंड, नारों से जीत नहीं होगी, मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, मुद्दे से कोई भटकेगा नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, मैं आप आवाज, एक बार शांत हो जाए सब लोग, आवाज नहीं, सिद्धांत, ईमानदारी पे बात कर रहे हैं, ईमानदारी का उत्तर क्या है, अगर आप चेयरमैन चुने जाते हैं तो ऐसे कौन से मुद्दों के आप काम करेंगे। मैं यहाँ पर उन मुद्दों पर काम करना चाहता हूँ जिससे जनता त्रस्त है, यहाँ लोगों की शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा भी मुद्दे हैं, यहाँ लोगों को सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, यहाँ की जनता भयभीत है, यहाँ तमाम तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों की जमीनों पर कब्जे, यहाँ पर भ्रष्टाचार की अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं हैं जिन पर कभी कोई न बोलना चाहता है और न इतनी बार। पंचायत का जो डिबेट है अपने आखिरी चरण पर है, जो आखिरी लम्हा है, जो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे,
मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे महिला सुरक्षा की, सीधे तौर पे आपसे बात होगी, मैं अभी सब लोगों से प्रश्न लूंगा, महिला सुरक्षा पे बात करने से क्यों चूक जाते हैं, क्या मुद्दा नहीं रहेगा क्या नगर पंचायत में? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, महिला सुरक्षा सर्वोपरि है, महिला सुरक्षा के लिए हम लोग वो सारे उपाय करेंगे जिससे महिलाओं के लिए यहाँ, हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए पूरी तरह से मऊ में वो माहौल बने जिससे हमारे यहाँ एक अच्छा माहौल बने। हम लोग सामाजिक उत्थान पर काम करेंगे, महिलाओं के लिए स्पेशल रूप से जो बंद पड़ेगा वो हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए करेंगे, उनकी शिक्षा के लिए करेंगे। तो भाजपा ने गाना जारी कर दिया कि अखिलेश आएंगे तो गुंडागर्द दिया है, कि अखिलेश आएंगे तो अराजकता आएगी, तो भाई अगर रस्तोगी जी आएंगे तो फिर तो वही सब आ जाएगा? नहीं, रस्तोगी जी आएंगे तो वो कैसे आ जाएगा? हमारा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे लोगों का ना किसी से झगड़ा है, ना कोई बैमनस है, ना कभी किसी से तुकतुम में हुई, तो हमारे आने से कैसे गुंडा आ जाए? तो मऊ में फिर क्या आएगा? मऊ में आएगा जो कि लोगों को चाहे, लोग हम लोगों को चाहते हैं, बाकी टिकट लेना, पार्टी से लड़ना, ये तो सामयिक समस्या, अभी तक तो प्रधानी का चुनाव होता था इसलिए कोई पार्टी की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चूंकि इस बार पहली बार जो है नगर निकाय हुआ है तो यहाँ पे पार्टी की ही जरूरत थी, तो पार्टी से किसी न किसी, हर पार्टी किसी न किसी को टिकट देगी, तो जब पार्टी से टिकट मिला तो पार्टी से लड़ने के लिए हम आ गए। ये भी जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से विधायक जी का हाथ आपके ऊपर है, ये तो देखिए विधायक जी कहाँ तो सब लोगों के ऊपर है, क्योंकि विधायक जी कहाँ तक सबके ऊपर नहीं होगा, विधायक जी तो मऊ से ही जीते हैं तो सबके ऊपर विधायक है ना, आपके ऊपर क्यों हाथ होगा उनका? जी विधायक व्यक्तिगत संबंध भी तो हो सकते हैं, यही पूछना चाहता हूँ, व्यक्तिगत संबंध भी एक चीज होती है, और क्या उनको खतरा नहीं हो जाएगा कि भाई आपके ऊपर भी आधा हाथ आ जाएगा आधा उधर आ जाएगा? क्या व्यक्तिगत संबंध कोई, क्या ये एक तरीके से गांवदारी का चुनाव है, इसमें कोई किसी के विरोध में नहीं जाएगा और ना ही कोई किसी की कोई बनमसा है, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं चुनावी मुद्दा कुछ भी हो सकता है, मगर हम लोग एक हैं और बाकी कभी जाकर के एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। और जो आपने महिला सुरक्षा की बात कहा है, महिला सुरक्षा की बात के लिए जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि मऊ में प्रॉपर ढंग से सीसीटीवी लगे जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके कि महिला सुरक्षा के लिए कहाँ कोई बदतमीजी हुई या कुछ भी हुई, क्योंकि अगर मान लीजिए पर्याप्त आधार नहीं मिला तो उनके खिलाफ काम नहीं होता, उनके खिलाफ छूट जाते हैं लोग, इसलिए मेरे दिमाग में है कि हर चौराहे पे हर गलियों में सीसीटीवी लगा दे। सीसीटीवी लग गया, मुद्दों की बात अगर करें जी, तो जैसे अभी देखा जाए कि मऊ नगर पंचायत हाईवे का इलाका है जी, जी। और हमेशा से हॉट सीट मानी जाती रही है, मुद्दे में आपने जल व्यवस्था गिना दी, बिजली व्यवस्था गिना दी, इन मुद्दों का क्या वाकई में काम नहीं हुआ या ये सिर्फ विरोध के लिए? देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मऊ नगर की आवाज है, मऊ नगर की जनता, इस बार उनके हाथ में निर्णय है कि माफियाओं के हाथ में ये निर्णय जाना है या मऊ की सीट जानी। ये तो कह रहे हैं ना कि सुरक्षा का माहौल देंगे, सुरक्षा का माहौल देंगे प्रत्याशियों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में बोल रहा हूँ, मऊ नगर में कोई भी विकास नहीं हुआ 5 साल में, शिक्षा पानी। ठीक है, सीसीटीवी लग गया, मुद्दों की बात अगर करें तो जैसे अभी देखा जाए कि मऊ नगर पंचायत हाईवे का इलाका है और हमेशा से हॉट सीट मानी जाती रही है, मुद्दे में आपने जल व्यवस्था गिना दी, बिजली व्यवस्था गिना दी, इन मुद्दों का क्या वाकई में काम नहीं हुआ या ये सिर्फ विरोध? देखिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मऊ नगर की आवाज है, मऊ नगर की जनता, इस बार उनके हाथ में निर्णय है कि माफियाओं के हाथ में ये निर्णय जाना है या मऊ की सीट जानी। ये तो कह रहे हैं ना कि सुरक्षा का माहौल देंगे, सुरक्षा का माहौल देंगे प्रत्याशियों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी प्रत्याशी के पक्ष में बोल रहा हूँ, मऊ नगर में कोई भी विकास नहीं हुआ 5 साल में, शिक्षा पानी स्वास्थ्य किसी भी मामले पे मऊ नगर पे कोई विकास नहीं हुआ, मऊ नगर पंचायत की जमीनों पर, नगर पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। आप आनंदी माता की धाम पर खड़े हैं, आनंदी माता की धाम पर आप खड़े हैं और ये जो धाम बना हुआ है ये जिला पंचायत में आनंदी माता को भी लोगों ने पीछे संतोषी माता को घेर रखा है, आनंदी माता में हम लोगों ने मऊ नगर के लिए क्या नहीं किया, मऊ नगर के लिए मैं मुद्दे बताता हूँ, जो लोग बोल रहे हैं 30 साल रुके, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं चुनाव, जा कहाँ है, किस चुनाव? देखिए मैं ये कह रहा हूँ टिकट नहीं मिला, मैं मुझसे टिकट से कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको उस लायक नहीं समझा, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लेकिन इस बार मऊ नगर की जनता से ये अपील है, मऊ नगर की जनता इस बार सबको निर्णय देगी और सबको जवाब देगी। जहाँ विकास की बात है, मेरे 3 मुद्दे हैं, मऊ सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, हमारे पिताजी ने अनुदान में 3 करोड़ की जमीन, 3 बीघे जमीन मऊ अस्पताल के लिए दिया, दूसरा विकास मऊ के आनंदी माता की जो है बाउंड्री घेरवाई, तीसरा विकास मऊ ब्लैक मार्केट बनवाया, नवल किशोर मिश्रा जी ने ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत रहे, MLC के प्रतिनिधि रहे और उसके बाद विधानसभा लड़ी माता दी, जिला पंचायत रही, और जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़
मेरी उम्र ही कितनी है, आज मेरा आप विरोध कर रहे हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे उम्र से जितने भी यहाँ प्रत्याशी जो भी हैं वो लोग सब लोग मुझसे बड़े हैं। आज मैं 23 साल का हूँ, 3 साल के अंतर्गत में कोरोना कार्यकाल से लेकर के मैंने कितनी सेवा की है वो जनता जानती। आज ये बात यह है कि भाई सत्ता में बैठे हुए लोग मेरी खिलाफत कर रहे हैं। जब इतना विकास हो गया जैसे इन्होंने गिना डाला, ये विकास अगर इतना कर दिया तो फिर जरूरत क्यों है हमें दुबे दुबे लड़ने की? यह सपा का जो आरोप है कि कह रहे हैं कि भाई अखिलेश आएंगे जी का अखिलेश हमारा मतलब नहीं है, विधायक जी का आधा आधा है, हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, इस तरह मुद्दे हैं। देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं छोटे हैं तो जरूर छोटे हैं उनसे, लेकिन जो मतलब है भाई अभी छोटे हैं तो उनके दिमाग में कुछ है नहीं, तो बीच में ऐसा कुछ भरा गया, ठीक है, चुनाव लड़े वो हारे, ये चुनाव लड़े जीते, और भी लोग चुनाव लड़े, जैसे बीडीसी का लड़े, सदस्य का लड़े, यहाँ से यहाँ जिला पंचायत सदस्य 2005 मेरे पिताजी लड़े थे, तो यहाँ मऊ नगर पंचायत से 70 वोट पाए थे। जो मुद्दा आज बता रहे हैं जमीन कब्जा फलाना ढिकाना, बहुत आरोप लगा यहाँ नहीं, नहीं, चार पांच लोगों ने बोला, तो वो लोग सिर्फ जब तक कह दिया कि हमारी जमीन कब्जा किए हैं, वो सिखाए हुए लोग, आप जान रहे जो विपक्ष होता है वो सिखाए हुए लोग, ठीक है भैया आपको ऐसा बोलना है, ठीक है हम सेवा नहीं किए हैं, हम कोई काम नहीं किए हैं, अभी मेरा भाई जीता, ठीक है जिला पंचायत लड़ा, यहीं से लड़े, कई लोग लड़े, छोटे भाई भी लड़े, उन्होंने विकास का मुद्दा रखा वो रखा, जनता ने 4042 वोट से रिकॉर्ड मतों से जीता, मैं यहाँ से प्रधानी लड़ा, मेरे पिताजी भी लड़े, माता जी भी लड़ी, इतिहास में मैं 1819 वोट से जीता, ठीक है। अब आ गया ये समय चर्चा करने का नहीं है, ये समय रण का जीत नगर, ये समय रण का है, जो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन यहाँ दिखाया जा रहा है वो चल के क्षेत्र में। अच्छा, जैसे इन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि जनता के बीच जाइए वही दिखेगा, आरोप जो लग रहे हैं जैसे अब संदीप जी हैं इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि माफियाओं का दौर आ जाएगा, सफाई जो कैंडिडेट उनका कहना है कि हम सुरक्षा का माहौल देंगे, कोई कह रहा है हमारी जमीन कब्जे में हो रही, कोई कह रहा है कि गांधी माता की ही बिल्डिंग कब्जे में हो गई, अगर इतना सब हो गया है तो फिर जनता क्यों छुटी गई? जनता सब जानती है, विरोधियों का काम है विरोध करना, हमारा काम है जनता के बीच में सेवा करना, हमारे विषय में किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम कितने बड़े गुंडे या माफिया अपराधी, कितने राजनीति के हैं, कितने नेता हैं, ये हम नहीं बताएंगे, हमारा कार्य हमारी सेवा जनता के दिल और दिमाग दोनों में है। मतलब इस बार का चुनाव ये जो आरोप आपके ऊपर है तो उससे भी आप कह रहे हैं क्या कि जो जीत होगी या हार जो भी होगी तय होगा क्या, जो आरोप लग रहे हैं क्योंकि आरोप है, देखिए कहीं से तो आई होगी बात, उनके आरोप करने काम है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, सबको वोट जनता देगी, ठीक है। किसी मंदिर में कोई आता है तो ज्यादा मट्ठा देखता है तो मंदिर ज्यादा भगवान ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, कोई जल चढ़ा के चला जाता है मंदिर में तो भगवान को कम आशीर्वाद देते हैं। माता का विषय क्या, जिला पंचायत की जमीन का क्या विषय है, सब कब्जा है, कोई कब्जा नहीं, नाप जोक सारा लेखा जोखा सब जिला वहाँ तहसील परिसर में सब कुछ, भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये जिला पंचायत का मुद्दा नहीं, जनता ने अहंकार दिया है हमको, हम जनता के ऋणी है, इनके ऋणी नहीं है, इनका काम है विरोध करना, जनता अहंकार देती रहेगी, अहंकार करते रहे तो ठीक है ना, बात खत्म हो गई, जनता किसी जनता ने ये चुनाव लड़े, हमारी बुआ जी चुनाव लड़ी, इसी जनता ने इनको ठुकराया, फिर जमुना केसरवानी स्वीकार करिए, फिर इसी जनता ने जमुना केसरवानी ने इनको फिर तीसरी बार फिर जिला पंचायत हुआ तो अभिषेक निषाद ने जनता ने, इस बार जब जनता को लगा कि नहीं इनका कार्य व्यवहार अच्छा है, जनता ने इनको स्वीकार, लेकिन अगर ये कह दे कि हमारा कार्य 3 बार आपका, जब 15 साल से आप लगातार चुनाव हार रहे थे तब क्या आप सेवा नहीं किए थे? अभी आप सेवा किए थे, जनता का अहंकार है, बहुत बड़ी बात नहीं, उनका जनता ने साथ दिया, कह रहे हैं कि वो भी मान रहे हैं जनता का अहंकार है। देखिए जनता का अहंकार, जनता किसी की नहीं है, जनता किसी के बाप की है, जनता जो है जब आप काम करें विकास करें, उन्हें किसी के बाप की नहीं, जो है जनता का हम खरीद ली रहे, जनता का अहंकार, ठीक, और जनता के लिए जो है हम लोग जनता हमारा अहंकार, ये कौन सी भाई, जनता किसी की नहीं है, जनता जो है अपने, तो आप जनता हमारी है, जनता हमारी है। मैं आपको बता रहा हूँ,
ये जो विषय चल रहा है ये विषय बहुत देर तक नहीं चलेगा। सब जिला वहाँ तहसील परिसर में सब कुछ भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये जिला पंचायत का मुद्दा जमीन उमीन का भी सब खोलने लगेंगे क्योंकि ये गांव हुआ करता है। तो गांव में पहले आप जानते हैं कि गांव में जैसे यहाँ पे अधिकांश जमीनें जो हैं तो वो लिखा पढ़ी में नहीं है, जो कोई आबादी की जमीन हुआ करती थी। तो आबादी में ये पूरा एक रास्ता गया हुआ है, ठीक है। वो सरकार का काम है छुड़ाना। और 50 साल पहले कोई चीज़ बन गया, हम नहीं जानते हैं, हमारे पिता जानते हैं या हमारे पिताजी नहीं जानते हैं। अब गांव में हमें पैतृक मिला, मतलब आपका कहना ये है कि अगर जांच हो जाए, अगर निकल जाए तो छोड़ देंगे। जांच हो चुका है, हो चुका है। आप जान रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार है, कोई भी अगर कार्य ऐसा हो तो दूसरों पर ही तो चले जाए। ये भाजपा वालों के ही चलता है, बिल्कुल चलता है। आप देख लीजिए कई मैं आप भी खड़े हैं। नगर पंचायत की जो व्यवस्था है, जैसे भी आपसे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए जनता को लेकर, वाकई में आपको लगता है क्या कुछ मुद्दे हैं या एक पक्का लेगा? हम गायत्री नगर से हैं, गायत्री नगर मोहल्ला मऊ का नगर पंचायत का टॉप 10 मोहल्ला है, ठीक है। आप चल के देख लीजिए नाली सड़क की क्या व्यवस्था है। बाकी और चीजों में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, छोटी सी बात करना चाहूँ, 5 साल में क्या विकास हुआ है उसको चल के मौके में देख लिया जाए। आने के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, लाइट नहीं, तो खंभे नहीं। अगर ये जैसे ये प्रत्याशी है ये भी यही कह रहे हैं हम जीतोगे बनवा देंगे, ये तो सब लोग कहते हैं, ये तो सब लोग कहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। तो किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, इसलिए पूरे गायत्री नगर की जनता ये चाह रहे हैं किसी नए कैंडिडेट को लाए जो हमारी बात सुने। अच्छा, तो नया कैंडिडेट इस तरह का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बनेगा कैसे? बिल्कुल विकास, आपने तो डायरेक्ट आरोप लगा दिया, जनता आपको चुनेगी क्यों? आप संदीप जी क्यों चुने जनता? अच्छी बात बताए, मैं अपनी जड़ की बात बोला ना, ठीक है। इसके बाद मैं सब दिन छात्र जीवन से समाज के बीच रहा, जैसे अभी भैया ने बोला कि हम इतने वर्षों से सेवा करते हैं तो हम भी समाज के बीच रहते हैं। 37 साल से दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा मऊ कि 37 साल पहले शायद पुरुषोत्तम जी प्रधान थे, उसके पहले शिव संपत थे। शिव संपत द्वारा मऊ ब्राह्मण टोला जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे पटिया बिछाई गई थी, और इसके बाद नए चेहरे आते गए, आज 37 साल हो गए, आज भी वहाँ पे पटिया बिछी हुई है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में सबसे अच्छा काम करूँगा, नेक काम करूँगा, ये बार बार जनता के बीच वचन देता हूँ, बड़ी आवाज से कहता हूँ कि जनता के बीच मैं खड़ा उतरूंगा। अच्छा, इतनी सब बातें हो गई, लेकिन जैसे शिक्षा की बात अगर कर ली जाए, शिक्षा का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? जब इतना विशेष भाग है चित्रकूट का, तो फिर महिलाओं की शिक्षा पे बात हो जाए, कॉलेजों की स्थिति सुधर जाए, या कहें कि जूनियर हाईस्कूल की स्थिति सुधर जाए, उसमें आवाज से कहता हूँ कि जनता के बीच मैं खड़ा उतरूंगा। अच्छा, इतनी सब बातें हो गई, लेकिन जैसे शिक्षा की बात अगर कर ली जाए, शिक्षा का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? जब इतना विशेष भाग है चित्रकूट का, तो फिर महिलाओं की शिक्षा पे बात हो जाए, कॉलेजों की स्थिति सुधर जाए, या कहें कि जूनियर हाईस्कूल की स्थिति सुधर जाए, उसमें कोई बात कर नहीं रहा है। देखिए, अगर हम मुद्दे पर जाएं तो शिक्षा के मामले पे हमारा मऊ नगर पंचायत, शिक्षा हो, शिक्षा व्यवस्था पे हो, या शिक्षा के मामले पे हो, या फिर जो है हमारे मऊ नगर पंचायत पे आप चले जाइए, किसी भी विकास के मुद्दे पे, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये पांचों मुद्दे होते हैं सरकार के भी और विकास के। इन पांचों वही तो करेगा, कह रहा जी जाएगा कर देंगे। भाई पिछले 5 साल आपको दिया गया, आपने क्या किया उसका ब्यौरा बताइए। शौचालय से लेकर शमशान घाट की पक्कीकरण तक का पैसा आया और कहां चला गया, कोई बता दे इस चीज का मुद्दा। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, जहाँ पर अभी एक छोटा सा मुद्दा हुआ था, भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया, 14 दुकानें मऊ नगर पंचायत में बनी गई, उसका आवंटन नहीं किया गया, अवैध रूप से 45 लोगों से, रस्तोगी समाज, बनिया समाज, हर समाज के लोगों से कि मैं वही वोट दे, मैं तो ही जो है मैं तो ही दुकान दे हूँ, तो रही 25 कोठी और जो है मैं तो ही हुआ करी हूँ तो ही दुकान दे हूँ। उसके बाद उनसे 45 जने से पैसा लिया, बाद में उसकी खुली बोली आनंद शुक्ला जी ने और सब लोगों ने मऊ नगर पंचायत में खुली बोली कराए, तभी इनके भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। ये कौन सा आरोप है? रस्तोगी समाज, आपको भी जानकारी है क्या? मुझको कोई नहीं जानकारी, ये मुद्दा क्या मुद्दा था? आप लोग ऐसी जनता को बरकलाए जैसे इन्होंने कहा, मैंने उस समय भी कहा था, इन्होंने फेसबुक में मुद्दा उठाया था, मैंने कहा एक प्रमाण दो, ठीक है, 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, एक भी प्रमाण नहीं दिए, आप कितने बड़े झूठे हैं। आप एक प्रमाण है क्या? प्रमाण है क्या? एक प्रमाण सुनिए, अभी चुनावी माहौल, चुनावी माहौल में कोई भी व्यक्ति प्रमाण भी दिलवा दूंगा, सुनिए, प्रत्यारोप कि मैंने प्रमाण भी दिलवा दूं। अच्छा रुके, मेरी एक छोटी बात, ऐसा मैं लिया होता 5 लाख 10 लाख किसी से लिया होता, क्या मैं उनको दुकानें आवंटन न कर दी?
मैंने नहीं किया। तो ये आरोप जब आया तो उसका उचित आ जाना चाहिए। देखिए जब ये बात उठी तो फिर ये भी बौखला गए, बौखलाने के बाद ये मीडिया में आए, सोशल मीडिया पे। ये दोनों जो पक्ष हो गए, यही पूरे मऊ नगर पंचायत का पक्ष होगा या संदीप त्रिपाठी जो कह रहे हैं कुछ ऐसा भी होने वाला है, ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर? आरोप प्रत्यारोप की सच्चाई है दोनों के? देखिए ऐसा है, मैं अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ मेरे मुद्दे मऊ को पूरी पारदर्शी ढंग से स्थापित करना, अपनी मऊ नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, यहाँ पर सभी के लिए जितना भी यहाँ 100% आवास सृजित करवाना, लोगों के लिए रोड नाली की पूरी 100% व्यवस्था करवाना, यहाँ अम्बेडकर नगर से लेकर मैदान अगेरुआ जैसे ऐसे मजरे हैं बमफड़ा और क्या कहते हैं डाड़ी और लोगों के लिए रोड नाली की पूरी 100% व्यवस्था करवाना, यहाँ अम्बेडकर नगर से लेकर मैदान अगेरुआ जैसे ऐसे मजरे हैं बमफड़ा और क्या कहते हैं डाड़ी और शिवपुर और सिरसा जैसे ऐसे मजरे हैं जहाँ पर विकास की सख्त आवश्यकता है। मैं उन सभी मुद्दों पर 14 से 15 घंटे रोज काम कर करके और अपनी नगर पंचायत की समस्त जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी सेवा करूँगा और 100% अपना जो सर्वोत्तम अनुभव होगा अपने जीवन का वो लगा करके और लोगों के लिए 24 घंटे काम करूँगा और खरा उतरूंगा। पार्टी वालों ने कोई प्रश्न नहीं डाला क्या कि आप बैठ जाइए, कुछ ऐसा नहीं हुआ या बात भी जीतिए आ जाएंगे आप भाजपा में? देखिए ऐसा है, अभी भाजपा में मान रहे हैं खुद को भाजपा की नहीं? अब तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, भाजपा मुझे खुद ही नहीं मान। कितने दिन के लिए निर्दलीय? चुनाव लड़ने तक हैं क्या फिर भाजपा में आ जाएंगे? क्योंकि ये सर्टिफिकेट हो सकता है। मैं बताता हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए हूँ, मेरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। जब भी कभी भी ऐसी आवाज आएगी जनता के बीच से तो मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए समाज में उपस्थित रहूंगा, हर तरह से मैं जनता के साथ हूँ, मेरा जीवन और मरण। ये बताइए जब ऐसे लोग चुनाव लड़ जाएंगे भाजपा से टिकट नहीं पाएंगे तो बाकियों से आप लोग डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, भाजपा वाले कैसे करेंगे? डैमेज कंट्रोल की कोई बात ही नहीं है, पार्टी बेस का ही चुनाव ही नहीं है। तो फिर कैंडिडेट की यहाँ बात, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो जनता अपने आप इनको चुन लेगी। अच्छा ये बात है, अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको बताने की जरूरत ही नहीं, जनता अपने आप चुन लेगी। मतलब इन किसी लोगों को अपनी बात बताई जरूरत नहीं है। और रही बात जैसे 30 साल या मतलब जिनको जो बता रहे हैं कि 30 साल से चुनाव जीते हुए चले आ रहे हैं, ये हम वो कर देखिए, जीत हार ये सिक्के के दो पहलू हैं, कोई जीतता है कोई हारता है। जनता ने अगर विश्वास इनके ऊपर जताया तो जनता ने इनको जीता है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा और भाजपा से मैं टिकट मांग रहा था, मुझको टिकट नहीं मिला। मैं 10 दिन में चुनाव लड़ा, 10 दिन पे मैं जहाँ जा सका जनता ने मेरा साथ दिया, उतने मत मुझको मिले, 22-23 के आसपास मुझको मत मिले। ठीक है, जनता ने इनको चुना, ये अपना विकास दिखाएंगे किसी को, लेकिन ये अहंकार जो इनके अंदर अहंकार की बू आ रही है कि हम 30 साल से हमको हमारे कार से हमको जनता जीता, अहंकार अहंकार भाई साहब, अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार मत दिखाइए, अहंकार मत दिखाइए। सुनिए, हम छोटे हमसे बड़े भाई हैं, हमसे छोटे भाई, लेकिन अगर अहंकार दिखाकर आप ये चैलेंज करेंगे कि 30 साल से हम जीतते हैं फिर से जीत जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। अहंकार अहंकार नहीं भाई साहब, अहंकार नहीं। जब आप जिला पंचायत बन गए, भाई प्रधान भी बन गए, आप बोलना चाह रहे हैं अहंकार क्यों दिखाना चाह रहे हैं? भाई अहंकार तो कुछ दिन का होता है, इसका ऐसा आरोप है। अहंकार ना तो इनसे मिला है ना इनके। मऊ की डिबेट लगातार चल रही है, मैं विषय पे लास्ट में आना चाह रहा हूँ कि ये अहंकार जनता का ये सब हो गया, विषय चल गया। विषय फाइनल ये है कि मऊ नगर पंचायत में आपके भाई क्यों चुने? मैं इसमें सब यार सबसे पूछूंगा कि व्यक्ति को क्यों चुना जाए, आपको क्यों चुना जाए? ये तो आपसे आरोप हो गया, आपको जनता देख रही है, आपको क्यों चुना जाए? आपके हमको चुना ना जाए, ना हमारे भाई को चुना जाए, हमारे कार्य को चुना जाए। हमने जनता के बीच में रह के, मैं रात में 12 बजे में जनता के लिए जाता हूँ हॉस्पिटल। एक समाज में जितने प्रत्याशी हैं 10 योगदान बता दे जो जनता के लिए किए हों, और मेरा योगदान लगातार लगातार जनता के बीच में मैं रहा, जनता के बीच में हूँ, जनता जो निर्णय देगी वो हमको। शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए जो होगा बन पड़ेगा हम करेंगे। शिक्षा के लिए क्या होगा? स्वास्थ्य क्या होगी? जैसे हम तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, हमसे छोटे हम नहीं बोलेंगे। अभी फिलहाल में बहुत कुछ आप भी जानते होंगे, हम उस विषय में चर्चा नहीं करना चाहते। छोटे हैं जो किए जो नहीं किए अपना जाए, हम मुझे नहीं बोलेंगे, सब जानती हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, न कहेंगे। हमको मैं बड़ा हूँ, मुझको बोलने में शर्म लगेगी।
क्या मतलब छोटे भाई हैं ठीक है, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये विषय मुद्दा जैसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो बहुत से कारनामे हर किसी के। नौ नगर पंचायत के बहुत सारे मुद्दे जिनके बात हुई है, एक प्रत्याशी और जुड़े, आपका क्या नाम है? निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग तो आपस में एक दूसरे को बताया इन्होंने, क्या तुमने किया, क्या मैं करूंगा, क्या तुम नहीं कर पाए, टिकट कैसे मिला, आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं? भाजपा के हारे हैं क्या? हम किसी पार्टी से ठीक है, और हम एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हमें ऑफर मिला था पार्टी से। किस पार्टी से? समाजवादी से। तो ऑफर का मतलब कुछ पैसे वैसे? नहीं, कोई पैसा वैसा की बात नहीं हुई। तो आप लड़ना चाहेंगे तो हमने कहा कि नहीं, हमें पार्टी से नाम नहीं, क्योंकि हमें हर हम निर्दलीय उम्मीदवार में लड़ना। मुद्दे हैं हमारे पास, मुद्दे बहुत हैं भाई। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप लोग शांति बनाए रखें। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा मुद्दा सबसे प्रथम यही है कि हमारे मऊ में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क बना हुआ था, उसको माननीय प्रधान द्वारा तोड़ दिया गया। तो जब ये तो हमारे मान सम्मान की बात हो गई ना, क्योंकि तो हमारे मऊ के सम्मानित व्यक्तियों का नाम उसमें दर्ज है, जो देश की आजादी में उन्होंने अपना जो भूमिका निभाई थी। यही मुख्य मुद्दा है? यस यस यस, यही मुख्य मुद्दा है। और अब ये डिबेट जो है वो आखिरी चरण में हम इसको खत्म करेंगे। मुद्दे बहुत सारे आए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर, आरोप प्रत्यारोप इतने ज्यादा लग गए हैं कि जीत और हार ये तय करने वाली है कि किस पार्टी के जो प्रत्याशी है उसमें जो आरोप लगाया वो सही है या गलत है। बहुत सारे विषय जांच के हैं, जिसको प्रत्याशियों ने माना है कि जांच होगी, उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, तमाम तरीके विषय है। लेकिन विषय सबसे गंभीर है महिला सुरक्षा का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और नगर पंचायत मऊ जो पहली बार नगर पंचायत बन रही है उसके कार्य कैसे होंगे, ये एक बहुत देखने वाला विषय होगा। अब मैं आज जो कमेंट है सिर्फ एक एक शब्द का लूंगा, जो है आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया विषय। देखिए जोरदार तालियां होनी थी, आनंदी माता का सौंदर्यीकरण हो। यहाँ पे कम से कम 50 गांव से लोग आते हैं, यहाँ पर कोई भंडारा स्थल नहीं है। कोई नंदी माता परिक्रमा भंडारा करता है, कोई शंकर जी परिक्रमा भंडारा करता है। और लोग प्रत्याशी जो व्यापारियों की बात करते हैं, तो व्यापारियों का उद्धार तभी हो सकता है क्योंकि ये जो पुरानी तहसील है यहाँ पर सरकारी बहुत ज्यादा जमीन है और वो थाना है। तो यहाँ पर अगर व्यापारियों के लिए जो है एक सब्जी मंडी बन जाए तो जो है आवागमन होता रहेगा। और एक शमशान घाट बहुत जरूरी है, और पानी की व्यवस्था, बस निकास में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, या बस सिस्टम में पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये भी बड़ा विषय होगा। आप बोलना चाहिए यहाँ पर तमाम सारी पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे। इस बार मुंह में एक खबर और चल रही है कि इस बार साक्षात कुबेर ने नामांकन किया। फिलहाल मेरा सभी प्रत्याशियों से एक ही निवेदन है, इस डिबेट को खत्म करते करते जाते जाते माँ आनंदी की शपथ, एक छोटी सी शपथ ये लेकर जाए। प्रांगण में खड़े हैं, शपथ है, आप जो बोलेंगे वो शपथ है। इस बार यहाँ जितने लोग जो बोल रहे हैं शपथ ही है, क्योंकि वही प्रांगण, इसलिए मैंने रखा था यहाँ पे। तो एक मन में शपथ लेकर के जाए कि इस बार केवल ईमानदारी का चुनाव, एक भी वोटों को खरीदने का काम और बस प्रत्यक्ष को प्रमाण के मतलब पैसे से खरीदे ना जी नहीं, बिल्कुल टिकट बस ले ले पैसे ईमानदारी का चुनाव। जैसे वो बच्चा बोला नहीं, कौन सा पैसा कौन सा टिकट, नहीं पैसा ईमानदारी, आपको टिकट नहीं मिला तो मैं टिकट मांगा ही नहीं सर, बस नहीं मैं निर्दलीय इतना क्षमतावान व्यक्ति हूँ कि मैं पार्टी पे भरोसा ही नहीं करता, कर भी भरोसा कटा कहाँ, फिर कहाँ में मांगा, कहाँ मांगा है ऐसा है। औपचारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आप अनौपचारिक रूप से जो बातें हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उनका सबूत नहीं। तो ऐसी बातों पर मैं अपनी बात नहीं रखना चाहता, जनता सब जानती है, किसी से कुछ जनता तो इतना जानती है कि इतने विषय बता दिए कि आप लोग कुछ बोले नहीं जो नहीं, बिल्कुल बस इस चढ़ने पानी नहीं है, मंडी नहीं है, शिक्षा नहीं, सही है। आप लोग सब लड़ते रहे, इन्होंने जो कहा यहाँ पुराना थाना और पुरानी तहसील वो ऐसी जगह है जिसको हटा करके, उन खंडहरों को हटा करके वहाँ 500 दुकानें आवंटित की जा सकती है, वहाँ गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है। जो गेस्ट हाउस 80,000 रुपए होता है प्राइवेट, उसकी जगह वहाँ 10,000 रुपए में सरकारी गेस्ट हाउस गरीब लोगों के लिए मुहैया कराया जा सकता है। वहाँ तमाम जहाँ पर और इसके लिए कई बार मांग उठ चुकी है, कई बार लोगों ने क्या क्या बोलना चाहिए, खत्म करना है वो राजस्व की जमीन है,
और शायद पता ना होगा भाई साहब कि राजस्व की जमीन के लिए मैंने अप्लाई भी किया था, लेकिन ये तो बाद में होगा ना, जब बनेंगे तब की बात है। पहले भी उसमें क्या हुआ था कि पहले भी हम लोग प्रयास किया गया था प्रधान जी द्वारा कि जो राज्य इसमें पहले बात तो जो इधर पुरानी तहसील जो बता रहे हैं पुलिस की जमीन बता रहे हैं, क्योंकि सीओ साहब से भी बात हुई थी और एसडीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने साफ से मना किया था नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ चौकी बनेगी और तहसील की तहसील सरकार है, सरकार है, काम आप लोग बन जाए तो कर ले, ठीक है। जैसा कि भाई साहब ने कहा मंदिर के विषय में, ये जो मंदिर खड़ा हुआ है आपके सामने, ये हमारी कमेटी का बनवाया हुआ मंदिर है और हम ये चाहेंगे ये मंदिर हमारे मऊ की धरोहर है, हमारी शान है, हमारी मर्यादा है। अगर चेयरमैन बनने के बाद, प्रधान बनने के बाद अगर इस मंदिर का उद्धार नहीं किया गया तो इस गांव का प्रधान होने का कोई जो है वो नहीं लगता है इसमें। बातें खत्म हो गई, प्रधान फिर क्या मतलब है, कर नहीं पाए, फेल हो गए ना, ऐसा कह रहे हैं आप। ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, एक जीओ आप मुद्दा तो बनेगा प्रधान, मुद्दा भी ना बने, मुद्दा भी ना बने, मुद्दा भी हम बता रहे हैं। देखिए शासन से शासन आदेश आया था कि आप प्रधान है तो जो मंदिर मजाद रहा जीर्णोद्धार नहीं करा उसका कोई हवा में तो बने नहीं रहेगा, ठीक है। कोई अगर खत्म करते हैं, खत्म करते हैं, देखिए चलता रहेगा, पीछे चलता रहेगा, पीछे चलता रहेगा, पीछे चलता रहेगा। मऊ नगर पंचायत के जो और विषय हैं प्रत्याशियों के, वो आप तक वो पहुंचा देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लेकिन इस डिबेट से इतने मुद्दे सामने आए हैं, अब आपको तय करना है कि जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उनमें क्या वाकई दम है, शिक्षा स्वास्थ्य महिला सुरक्षा के जो मुद्दे उठाए गए हैं क्या उसमें वाकई दम है, आनंदी माता के संपूर्ण क्या वास्तव में ये विकास के मुद्दे बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुजन की खबर।